खुद को हीरो समझते हुए कोवलम बीच पर कुछ समय बिताने के बाद और प्योर वेज रेस्टोरेंट का हंट करने के बाद अब बारी थी कोवलम को अलविदा कहने की और बढ़ने की त्रिवेंद्रम की ओर। अब त्रिवेंद्रम में थी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन पद्मनाभम स्वामी मंदिर, जो कि ये अपनी सुंदरता और अपनी भव्यता के लिए मशहूर है। ये विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है और ये दिव्य देशम में से एक है। इसको त्रावणकोर के मरथंडा वर्मा जी ने रिनोवेट करवाया था। तो चलिए चलते हैं। यार ये हम लोग आ चुके हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल पे। भाई ये जैसे ही यहाँ लेकर आए ना, मैंने उनसे कंफर्म किया कि त्रिवेंद्रम सेंट्रल ही है ना, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग, ये बड़ा सा होगा। ये तो भाई शुरू होते ही खत्म हो गया। और इधर सामने कोचिंग डीपो है, कोचिज आपको दिख जाएंगे। एक मिनट में पैसे देखूंगा। तो फिर उसने बताया हमको कि ये बैक साइड है, फ्रंट साइड ये वाला बैक साइड है, फ्रंट साइड इसके अपोजिट होगा जो मेन है। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है, बट आपको वहाँ से जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा। चलिए चलते हैं। तो ये है बाहर से त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो मेन गेट है उस तरफ से, एंड स्टिल इट इज़ नॉट दैट बिग एज एक्सपेक्टेड। नगर कोयल वगैरह का यार इससे बड़ा स्टेशन था। 5 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे सिर्फ, वो भी बहुत खस्ता हालत में है। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे यार वो बिल्डिंग थी वो यहाँ से दिख नहीं रही है। यहाँ पे ना KRCTC की, बाकी मैं आपको ना इसके सामने दिखाता हूँ। रेलवे का ऐसा स्टेशन है, बट यहाँ पे जो इनकी बस स्टैंड है, ये सामने इनका बस स्टैंड है, मेजर बस स्टैंड KSRTC का। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है, ये इतना भव्य नहीं है। जितने भी बस स्टैंड यहाँ आपको मिलेंगे ना, सब ऐसे ही है। चाहे आप कोझीकोड ले लीजिए, चाहे आप कोची ले लीजिए, चाहे आप एलिपे ले लीजिए, कोई सा भी उठा लीजिए, इवन कोवलम तक का भी जो मेन ऐसा KSRTC का बस स्टैंड है वो इतना ही भव्य है। मेरी फोटो। बाकी यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से कोई लंबी ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, तो इसलिए काफ़ी भीड़ है इधर। तो चलिए अब वक्त आ गया है स्टेशन से निकलकर पद्मनाभम स्वामी की ओर बढ़ने का। लगभग इस समय बज रहे हैं 3:30 और हम लोग पहुंचना चाहेंगे पद्मनाभम स्वामी 4 बजे तक। गेट खुलने का जो एक्सपेक्टेड टाइमिंग है ना, वो 4:30 से 5 होता है, पर हर डिपेंडिंग अपॉन सीजन ये टाइमिंग्स अलग अलग होती है। तो वो वहीं जाके पता चलेगा कि किस टाइमिंग पे खुलेगा दरवाज़ा। और मैं ये पहन के नहीं जाने वाला दर्शन करने, ठीक है, जो मेरा नॉर्मल क्लोथ्स है। वहाँ जाएंगे, वहाँ पे ऊपर से आपको नेकेड ही जाना होता है, नीचे आपकी धोती रहती है, तो धोती बैग में मैंने रखी हुई, बस वहीं जाके चेंज कर लेंगे और फिर जाके दर्शन करेंगे। तब यहाँ से लेते हैं ऑटो और फिर बढ़ते हैं पद्मनाभम स्वामी मंदिर की ओर। तो ये हमने ले लिया एक ऑटो, इसका 50 रुपये किराया है 3 लोगों के लिए, तो ठीक है यार। मतलब वैसे मंदिर ज़्यादा दूर भी नहीं है, वॉकिंग है वैसे तो। तो अगर आप लोग सोलो ट्रैवलर हैं तो आप वॉक करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली के साथ है तो आई वुड सजेस्ट टेक अ ऑटो, क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब क्या ठीक है, मर्जी है आपकी। फैमिली के साथ भी आप पैदल जा सकते हैं अगर मौसम ठीक है तो। तो अभी तो मौसम अभी बादल आ गए, अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ धूप थी और उमस हो रखी है, इसकी वजह से कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रही है, तो सच में बहुत ज़्यादा उमस है। तो इसलिए हमने कहा ऑटो ही ले लेते हैं। तो बस अब पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में टेम्पल, बस आगे यहीं कोने पे टेम्पल है, वही पीछे रेलवे स्टेशन है। तो चल रहे। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं पद्मनाभम स्वामी मंदिर, अभी अंदर नहीं गए, बाहर से ही है। देखिए कितना हम सब जो है बहुत ही बढ़िया। तो अभी मंदिर खुलने में टाइम है लगभग 1 घंटे का, 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे का लगभग वक्त है। तो हमने सोचा तब तक क्यों ना कुछ नाश्ता कर लिया जाए हल्का फुल्का, क्योंकि लंच तो हुआ नहीं है। तो बस एक अच्छा सा
रेस्टोरेंट ढूंढते हुए या कुछ भी, मतलब एक अच्छी जगह जहाँ पे वेजिटेरियन बढ़िया प्योर वेज कुछ मिल जाए खाने को तो बेस्ट है। अभी हम लोग आ गए हैं एक स्वाद करके रेस्टोरेंट, बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट है। तो यार मुझे लगा था इसका मेन्यू ना बहुत हाईफाई होगा, बट आप रेट देखिए यहाँ पे। मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, लेट्स से कभी भी ऐसे रेट पे जब आपको आइडिया लगाना हो ना, साउथ इंडिया में डोसा आप देख लीजिए, घी रोस्ट प्लेन डोसा नॉर्मल, अगर ये 100 से नीचे है तो दैट मीन्स ये हमेशा अफोर्डेबल है। देखिए प्लेन डोसा 50 का है, घी रोस्ट 80 रुपीज़ का है। IRCTC के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना उस पर 60 रुपीज़ का होता है ये डोसा। यहाँ पर 20 रुपीज़ ज़्यादा है बिकॉज यू हैव AC, यू हैव फैन, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव लाइक बेस्ट काइंड ऑफ एम्बियंस हियर। और यहाँ पे ना प्रॉपर, मतलब जो वेटर वगैरह भी हैं वो भी प्रॉपर ड्रेस में है, तो इतना सस्ता है ये बात ना थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इतना फैंसी रेस्टोरेंट अगर आप इस एरिया में कहीं पे भी जाइए, मंदिर के जस्ट पास है, ये बगल में मंदिर है, तो मतलब ये तो एकदम आसमान छूते प्राइसेस होने चाहिए थे। होगा कोई रीज़न, हु नोस। तो ये हम लोग की प्लेट सज चुकी हैं। ये यहाँ का स्टाइल है कि प्लेट के ऊपर ना केले के पत्ते रख कर देते हैं, जिससे कि प्लेटें वैसे गंदी ना हो, वैसे साफ रहें, तो धोने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये आ गई हमारी पनीर मंचूरियन, जिसकी क्वांटिटी बहुत कम लग रही है यार वैसे देखने में, बट ठीक है। और ये हम लोग का परोठा, आप लोग को याद होगा हम लोग कोजी कोड में थे और हमने ना वहाँ पे चिली परोठा मंगाया था, तो पीसेस में काट के ले आया था। मेरा ये वाला परोठा खाने का बड़ा मन था, इस बार मैंने सोचा कि इस बार तो मैं खा के जाऊँगा, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा है। और ये हमारे बढ़िया सी पनीर मंचूरियन, ये भी ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं कि ये जो रेट इतने सस्ते हैं तो क्या ये खाने में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं लोग। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा है। ये ना लच्छा पराठा की तरह ही होता है परोठा जो होता है यहाँ का, और ये हमने लिया। वंडरफुल यार, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा। चलिए तो अब जब अच्छी चीज़ है ना तो इसको एंजॉय किया जाए। बहुत ही बढ़िया लंच करने के बाद हम लोगों ने ली एक चाय, और बढ़िया सी चाय थी यार। मैंने उसको बोल दिया अलग से कि अदरक वदरक डाल देना, तो उसने मेरी बात की इज्जत रखते हुए ना बढ़िया सा अदरक कूट के डाला था, एकदम मेरे टाइप वाली चाय बनाई थी, मज़ा आ गया पी के, तो फुल ऑन एनर्जी है। बाबा के दर्शन, बाबा ने तो फुल ऑन एनर्जी है विष्णु भगवान जी के दर्शन करने के, तो बस चलते हैं अब। और तो लीजिए हम लोग रेडी हैं दर्शन करने के लिए। तो आपको यहाँ पे दर्शन करने के लिए ना ऐसे धोती डालनी होती है, नीचे दिखेगा नहीं, ये रही धोती, और ऊपर से मैंने ये ले लिया, तो मुझे इसका बड़ा, मतलब मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़ा इसका शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये भी खरीद के ले आया जाए। इसको बोलते हैं अंग वस्त्रम, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं, मैंने किताबों में पढ़ा है नॉवेल्स में। तो बस ये पहन के हम लोग रेडी हैं, अब पापा भी रेडी हो रहे हैं, वो एक बार रेडी हो जाते तो हम लोग चलेंगे फिर अपना लाइन वाइन में लगेंगे। और यार धोती का ना अपना अलग ही मज़ा है, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। अब मुझे अगर सही रहा ना तो आई विल स्टार्ट वेयरिंग दिस जब भी पूजा करने जाना हो, फिर इसको रेगुलर मैं अपना ड्रेस बना लूँगा, है ना। A few moments later. तो यार दर्शन तो हो गए और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं कि पूछे मत। मैं जैसे ही लाइन में, मतलब वहाँ पहुँचा ना दर्शन करने के लिए सामने भगवान के सामने, तो मैं ऐसी जगह पहुँचा, मेरे आगे से एक लाइन निकल रही है, मेरे पीछे से लाइन निकल रही है, मैं मम्मी को लेकर खड़ा हूँ बीच में, कोई हटाने वाला नहीं है। तो मैंने एक जगह रोक के सबको ना फिर मम्मी को आगे करके दर्शन कराए, बहुत प्यारे दर्शन हुए और बहुत आराम से हुए भाई। तो वेट कर रहा, सोचा कि तुम निकल गए आगे क्या, अब मुझे लग रहा था आप रह गए पीछे, ठीक है। मैं कह रहे पापा बड़े देर तक दर्शन कर रहे हैं, तो फिर मुझे एक बार दिमाग में आया कि यार इतने देर तक तो नहीं रुकने देगा, आप आदमी निकल गए होंगे, है ना। ये तो भगवान की लीला है, वो जितना देर चाहते हैं ना उतनी देर दर्शन देते हैं। मतलब हम लोगों ने
हम लोग को ये खुद लगा कि यार अब चलते हैं, ठीक है, भगवान को किसी और के लिए भी छोड़ देते हैं कि भाई और लोगों को अटेंड करें, हमारा हो गया। तो भाई कह रहे दर्शन, और मंदिर देखिए आप कितना भव्य और कितना सुंदर लग रहा है अंदर से ना, तो मतलब इतना रिच मंदिर है ना कि पूछे मत। तो ये इस मंदिर को देख के पता लगता है कि यहाँ पे किसी बंद दरवाजे के पीछे 1,00,000 करोड़ का ना खजाना रखा हुआ है, जो कि इस देश की ना पूरी रंगत बदल सकता है। लेकिन रंगत बदलने के लिए हम तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सोना था, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, भगवान का है, भगवान के पास रहने देते हैं। तो चलिए वक्त आ गया अब यहाँ से निकलने का, और एक पास में गणपति जी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे। तो ये अपना पीछे हमारा पद्मनाभम स्वामी मंदिर है, ये बगल में लेक है, और गणपति जी का मंदिर उधर कहीं मेन रोड के पास है, तो वहाँ चलेंगे हम लोग दर्शन करने के लिए। वो भी बहुत भव्य मंदिर है। मैं जब बाबा मम्मी स्टेशन पे थे तो मैं घूमते घूमते वो आया था वहाँ तक, और मैं तो मैं देख के ना आँखें खुली की खुली रह गई, मैं कहा इस मंदिर में हम लोग, भाई बहुत ही भव्य मंदिर है वो भी, तो वहाँ हम लोग चलेंगे, पापा रेडी हैं निकलते हैं। और ये यहाँ पर आपका भंडारा चल रहा है, जल सेवा है, और ये गरम है, गरम पानी है। नॉर्मल गरम पानी पीने के लिए है कि आप पीजिए और प्यास बुझाइए अपनी। जो पद्मनाभम स्वामी मंदिर है उससे ये जो गणेश मंदिर, हम लोग पहुंच गए गणेश मंदिर, ये लगभग 800 मीटर होगा, और हम लोग ना वहाँ से ऐसे ही आए, ठीक है, शर्ट ये वस्त्रम डाल के। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अटपटा लगा जब मंदिर के प्रमाइसी से बाहर निकले, क्योंकि फिर उससे आगे कोई भी ना है इस तरीके से नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ना नॉर्मल हो गया, क्योंकि अरे तो अपने कल्चर में ऐसा है ही नहीं ना, जो है पर मंदिर के अंदर तक है, बट इस तरीके से नहीं है रोड से, बट यहाँ मोस्टली लोग ना रोड पे ऐसे ही जाते हैं। तो सब चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए, फिर आगे बात करते हैं। और ये देखिए कितना भव्य मंदिर है, यहाँ से इसकी खूबसूरती इतनी पता नहीं चल रही जितना मैं वहाँ दूर से खड़े होकर दिखाऊंगा ना, तो इस मंदिर की असली खूबसूरती आपको दिखेगी। और यहाँ पे ना एक बहुत कमाल की चीज़ है, अब पता नहीं वो रिकॉर्ड कर सकूँगा कि नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना आपको एक नारियल मिलता है, उसको उठा के ना दीवार पर मारना होता है, ये आपको पीछे अभी ये जो आवाज़ें आ रही है ना तोड़ने की, ये वही नारियल दीवार पर मारने की है, और ये बहुत एक्साइटिंग एक वो टास्क होता है। चलिए चप्पल उतार कर हम भी चलते हैं मंदिर के अंदर। ये जो आप सामने पूजा देख रहे हैं ना, ये हो रही है सबरीमाला की, जो 41 दिन का व्रत होता है उसको धारण करने के लिए ये पूजा है। ये पूजा करने के बाद अब इनका व्रत शुरू हो जाएगा जो 41 दिन का होगा। मेरा भी सपना है ये व्रत एक दिन धारण करना, देखते हैं भगवान कब मौका देते हैं। अब हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं मंदिर से बाहर, और अब जाएंगे थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे, अब फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैं अब कैमरा बंद कर देता हूँ, कुछ बहुत अलग सा होगा ना, अच्छा होगा, तो ये मैं कैमरा ऑन करूँगा। उससे पहले मैं आपको ना मंदिर दिखाता हूँ यहाँ से कि कितना सुंदर और कितना भव्य मंदिर है ये। जैसा पद्मनाभम स्वामी मंदिर है उतना ही बड़ा ये भी मंदिर है, और उतना ही खूबसूरत ये भी है। हाँ, ये माना कि पद्मनाभम स्वामी बहुत पुराना मंदिर है और ये कंपैरेटिवली नया लग रहा है, पर इसकी भी सुंदरता कहीं कम नहीं है। और जैसा मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़ा था ना इस मंदिर के, कि यहाँ पे ना एक नारियल फोड़ा जाता है, तो मैंने देखा वो फोड़ रहे थे, तो बड़ा यार वो फैसिनेटिंग सा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी करूँ। बट अब उसमें क्या होता है ना कि आपको पूरी बोरी खरीदनी पड़ती है नारियल की, वहीं पर काउंटर लगा हुआ है, और मैंने रेट नहीं पूछा, वैसे मैंने नारियल फोड़ा है लेकिन मैंने रेट नहीं पूछा, मैं बताता हूँ कैसे। तो वो मतलब कुछ रेट रहा होगा, तो बोरियाँ आती हैं, तो लोग बोरी लेकर आते हैं, वो नारियल की वहीं मंदिर के अंदर मिलती है वो, और उसको लेकर एक मतलब वैसा क्या कहेंगे, एक जगह मतलब एक स्पेसिफिक एक वॉल है, उसी पे मार मार के उसको तोड़ते हैं। तो मैंने देखा, मेरा भी तोड़ने का मन किया, तो मैं गया, मैंने एक बंदे से पूछा, वो एक परिवार था, तो वो लोगों ने एक बोरी खोदी हुई थी, मैंने कहा मेरे को एक दे दो बस, मेरे को एक तोड़ना है। तो उसने फिर अपने भाई से पूछा, बड़े भाई से, उसने बोला हाँ प्लीज़ तोड़ो, सॉरी ओर्स। तो मैंने एक उठा के दे मारा दीवार पे और चकना चूर कर दिया,
मैंने उस नारियल को, और वो बहुत ही मज़ेदार था। यार आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इवन मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा, मैं लिटरली ना ऐसे एक अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया था, इट वॉज काइंड ऑफ बिग मॉल, ठीक है, वहाँ पे मैं ऐसे धोती में जा रहा हूँ। मतलब हम लोगों का तो कल्चर भी नहीं है यार, इतना पहले ना स्टार्टिंग में घुसने में इतना अजीब लग रहा था ना, मुझे लगा सब देखेंगे भाई बहुत तो वैसे नज़रों से कितना कैसे थे आ गए धोती वगैरह में। मतलब जैसे मैंने मूवीज़ में देखा है यार, लोग जाते हैं धोती में तो उनको जज किया जाता है उनके ड्रेस के बेसिस पे, लेकिन यार तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने एकदम अच्छे से मतलब मुझे एंटरटेन किया, इट वॉज गुड मैन। बट मतलब वैसे इंटरनली जो मुझे फील हो रहा था वो था ऐसा था अटपटा कुछ देर के लिए, बट देन इट वॉज फाइन, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वैसे ना कि नॉर्मल लाइफ में धोती को इंक्लूड करना। तो दोस्तों वक्त आ चुका है अब त्रिवेंद्रम से अलविदा कहने का, तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग की यहाँ से ट्रेन है, इस समय बज रहे हैं 11:30, हमारी ट्रेन है 12:50 पे यहाँ से निकलेगी, तो मतलब लगभग आने वाली होगी आधे घंटे के अंदर अंदर इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, खाली पड़ा है अभी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक ना लास्ट वीडियो बना ली जाए, मैं हमेशा करता हूँ अपने सारे ट्रिप कम्प्लीट करने से पहले कि ये जो जैसे नेम बोल्ट होते हैं ना इनके साथ खड़े होकर ना एक वीडियो तो ज़रूर बनती है। तो त्रिवेंद्रम हमारा मतलब तिरुवनंतपुरम हमारा लास्ट स्टॉप था पूरे ट्रिप का, और ये ट्रिप टोटल 6 दिन चली, और ये मैं कहूँगा अभी तक की मेरी सबसे बेस्ट ट्रिप थी, क्योंकि इसमें मम्मी पापा भी थे, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा ना कि मैं मतलब जैसे अकेले घूमता हूँ अनप्लान्ड घूमता हूँ, लेकिन भगवान की दया हमेशा मुझ पर बनी रहती है कि मेरे जो अनप्लान्ड प्लान होते हैं ना वो हमेशा मतलब सक्सेसफुल रहते हैं, हमेशा एकदम परफेक्ट लैंड करते हैं, किस्मत भी मेरी बहुत अच्छी रहती है, और वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिला। कुछ जगहों पे हुआ थोड़ा सा लाइक बिटर स्वीट था, लेकिन ओवरऑल ट्रिप ना स्वीट स्वीट थी, तो इट वाज लाइक कि यार मतलब कोई मीठे में ना हल्का सा एक कण थोड़ा सा नमकीन आ गया, अदरवाइज इट वाज टोटली परफेक्ट, और इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं लोगों को लेकर जा सकता हूँ अब आगे घुमाने के लिए। सो जैसे अगर आप फ्यूचर में कहीं जाना चाहते हैं मेरे साथ ऐसे बैकपैकिंग ट्रिप पे जिसमें कि मतलब कहते हैं ना एकदम हाई स्टैंडर्ड, नहीं ये वाला ट्रिप थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड था, बट अगर आप लोग जाना चाहते हैं नॉर्मल बजट में तो मुझे ऐसा लगता है मैं लेकर जा सकता हूँ। चलिए ये तो मतलब फ्यूचर की बात है, अभी थोड़ा सा अभी हम आते हैं वापस इस ट्रिप पर। तो बहुत ही अच्छा रहा, हाउस बोट से लेकर वो कोलम का रिजॉर्ट, वो रामेश्वरम के दर्शन, वो मदुरई में हाथ जोड़ना, उसके बाद आपका धनुषकोड़ी में दो समुद्रों को मिलते देखना, कन्याकुमारी के साउथ एंड मोस्ट पार्ट पे खड़े होके 3 समुद्रों का मिलन देखना, और फिर उसके बाद यहाँ पे पद्मनाभम स्वामी में धोती पहन के और रंग वस्त्र लेकर दर्शन करना, इट वाज ऑल मेड परफेक्ट मॉकटेल आई वुड से। सो बड़ा मज़ा आया, और बस यार मतलब आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप लोगों ने व्लॉग तो देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है ना इससे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखो, फर्स्ट डे से मदुरई वाले व्लॉग से भी पहले दिल्ली से 48 घंटे की ट्रेन लेकर मदुरई तक आने तक की जो पूरी जर्नी है वो देखो, उसके बाद मदुरई देखो, उसके बाद आप रामेश्वरम देखो, रामेश्वरम के बाद आप कहाँ गए थे हम लोग, कन्याकुमारी देखो, कन्याकुमारी के बाद आप लोग एलेप्पे देखो, एलेप्पे के बाद आप त्रिवेंद्रम देखो, आपको मज़ा ना है ना ना मदल लेना। और मैं ऐसे किसी वीडियो में कहता नहीं हूँ, एक छोटा सा ऐड है इसके बाद मतलब मेरी चैनल का ऐड है वो देखिए, और ठीक है अब बच्चा कह रहा है तो मान लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर तो कर दीजिएगा, बस सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, वीडियो बनाने का बहुत मेहनत लगती है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है अब, तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ट्रिप पर।